नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। एक दौर था व्यापार का, जब पिता अपने व्यापार को अपने बेटे को कमान सौंपता था, आगे बेटा भी उसी व्यापार को कंटिन्यू करता था। धीरे धीरे दौर बदला, अब परिवार में जिम्मेदारियां, परिवार के साथ तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी व्यापार की अलग अलग कायदे कानून और अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज आने लगे हैं। युवाओं ने अपनी स्वयं प्रेरणा से कुछ काम करने शुरू किए हैं और इसे स्टार्टअप का नाम दिया गया। तमाम सारे स्टार्टअप देश में मौजूद हैं और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर लगभग 400 से ज़्यादा स्टार्टअप मौजूद हैं और जानकारी मेरी थोड़ी सी दुरुस्त हो भी सकती है इसके बाद। लेकिन स्टार्टअप की दिशा में एक बड़ा काम इंदौर में सावन लड्डा कर रहे हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं स्टार्टअप के आइडियाज़ के बारे में। सावन, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या लगता है, अगर हम स्टार्टअप की बात करें, इंदौर में तमाम सारे स्टार्टअप्स आते हैं, आप डील भी करते हैं, समझते भी हैं, आपने खुद का स्टार्टअप भी है, उस पर भी हम कभी बात करेंगे, पर बहरहाल इंदौर में जो दौर चल रहा है उसको लेकर बात करना चाहते हैं। तो अभी इंदौर में इस समय लगभग 600 स्टार्टअप हैं। हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोगों ने ये लास्ट मंथ ही डिस्कवर किया कि जब हमने देखना चाहा कि इकोसिस्टम कैसा है इंदौर का, तो लगभग हमें हमारे ध्यान में आया कि 550-600 स्टार्टअप्स इंदौर में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और आइडिया लेवल से लेके सीरीज सी फंडेड तक अलग अलग टाइप के स्टार्टअप्स हैं, आईपीओ कर भी चुके हैं स्टार्टअप्स हैं। तो एक जो माहौल स्टार्टअप्स का भी इंदौर में है, एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है और अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बढ़िया काम कर रहे हैं। और जो इंदौर में हमने नहीं सोचा था कि इस तरीके का काम हो रहा है, बड़ा ही अमेजिंग काम चल रहा है इंदौर में भी। अब तक आपने सोचा नहीं था ऐसा काम हो रहा है इंदौर में, तो क्या लगता है अगर स्टार्टअप्स की हम कैटेगरी की बात करें, क्या वो टेक्नोलॉजी फील्ड में ज़्यादा जा रहे हैं, बिजनेस की, अगर मैं नेचर ऑफ बिजनेस की बात करूं, क्या वो किसी प्रोडक्शन साइड पर ज़्यादा जा रहे हैं, क्या है उसका नेचर क्या है? देखिए, स्टार्टअप बेसिकली स्टार्टअप टेक्नोलॉजी के अराउंड ही बिल्ट होते हैं कभी भी, और क्योंकि स्केल आप टेक्नोलॉजी से ही ला सकते हो। आप कोई भी स्केल, आज स्टार्टअप बेसिकली 5 times, 10 times, 100 times ग्रो करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप या कोई प्रोडक्ट स्टार्टअप वो लेवल का स्केल नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही अराउंड काम होता है और उसी में ही उनको स्केल मिल पाता है। तो अगर हम इंदौर की बात करें तो 80-90% स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही एनेबल्ड हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं। इसके पीछे क्या लगता है, जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी से ही ज़्यादातर लोग फैमिलियर हो रहे हैं, उसी तरह दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस खूब हुए, बच्चे वहाँ से टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेकर आए और उस दिशा में ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट तो हमारे यहाँ के एजुकेशन को भी जाता है और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस काफ़ी हैं। और ये एजुकेशन तो एक है ही, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के कारण भी इसका कहीं ना कहीं सपोर्ट है। आईआईटी आईएम के होने के कारण भी हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को उसका भी सपोर्ट मिलता है। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इंदौर के स्टार्टअप या मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को लेकर क्या है? तो देखिए, आज से 3 साल पहले की मैं आपको बात बताता हूँ, इंदौर को जो टिपिकल वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या वीसीज हैं वो गांव समझते थे कि इंदौर में भी कोई स्टार्टअप हो सकता है क्या, इंदौर से भी कोई काम कर सकता है क्या। उन लोगों की जो दुनिया थी वो बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे, ज़्यादा से ज़्यादा हैदराबाद, पुणे तक सीमित थी। बट जिस तरीके के यहाँ के स्टार्टअप्स ने काम किया है, जिस तरीके से यहाँ पर फंडिंग हुई है, फंड रेज हुए हैं और अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, तो अब इन्वेस्टर्स के रडार पे आया है कि भाई असली भारत तो ये इंदौर जैसे शहरों में है और यहाँ के स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट करें, हेल्प करें, और अब पैसा आ रहा है इंदौर या टियर टू के स्टार्टअप्स में पैसा आने लगा है। अगर उसको कनेक्ट करने की बात करें कि इंदौर जो लगातार स्वच्छता में 5 बार पहले स्थान पर है देश में, उससे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, उसके भी कुछ परिणाम हैं ऐसे जो लोग इस दिशा में आ रहे हैं? बिल्कुल 100%, इंदौर को जो एक पहचान मिली है वो कहीं ना कहीं क्लिनलीनेस के कारण मिली है। 5 बार स्वच्छता में फर्स्ट आए हैं, फिर कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ों में भी इंदौर फर्स्ट आया है, कई बार आया है, तो इसका कहीं ना कहीं एज एन इंदौर एज अ ब्रांड बहुत स्ट्रांग हो गया है नेशनली, और वो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को भी मिला है। अगर हम बात करें
पॉलिटिकल विश की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव विश की बात करें, तो कितना सपोर्ट इस स्टार्टअप को सरकार की तरफ से मिल रहा है? तो पॉलिटिकली मैं अगर बात करूं तो हमारे यहाँ के एमपी बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत सक्रिय है। इनफैक्ट वो अभी दुबई हैं, उन्होंने वहाँ से दुबई में इंडिया एक्सपो जो जोन है, इंदौर की कोई भी स्टार्टअप्स को वहाँ पे फ्री जगह दे रहे हैं। एंट्री नहीं, मैं एग्जीबिशन स्टॉल की जगह फ्री मिल रही है, बहुत बड़ी बात। तो जो एक स्टॉल जिसकी कीमत लगभग 5-10 लाख रुपए होती है वो फ्री में मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। 31 मार्च तक के लिए है वो। तो अगर हमारे पास इस तरीके के पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पास नरहरि जी जैसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और चीज़ों को एक्शन में लाते हैं, सीएम का पूरा सपोर्ट है, सीएम पर्सनली स्टार्टअप को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अभी तक वो 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं और पॉलिसी भी पास हो गई है। तो कहीं ना कहीं अभी वो जो गवर्नमेंट लेवल पे और पॉलिटिकल लेवल पे जो पुश आ रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। यूथ एक नया स्टार्टअप लेके आना चाहता है, उसको दिशा नहीं मिल रही है, उसको पता नहीं उसको क्या करना है, तो आप उस मैटर को लेकर किस तरह से मदद कर सकते हैं और क्या गाइड कर सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको सिंपल सा, स्टार्टअप के कुछ स्टेप्स होते हैं। एक होता है, सबसे पहले कोई यूथ आइडिया सोचता है, वो आइडिया को लेके कोई भी इंक्यूबेटर में जाए, जैसे हमारे यहाँ पे AIC के इंक्यूबेटर है, प्रेस्टीज है, AICTCL में हमारा IIM अहमदाबाद से सपोर्टेड साई CII का इंक्यूबेटर है। कोई इंक्यूबेटर में हो जाए, अपने स्टार्टअप आइडिया को लेके डिस्कस करे, उसको कहीं ना कहीं एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करे, MVP बनने के बाद में उसको लॉन्च करता है, थोड़ा सा ट्रैक्शन लाता है, ट्रैक्शन मिलने के बाद में फिर वो अपना थोड़ा बहुत फंड रेज करे और उसको थोड़ा और बेटर ट्रैक्शन लाए, और ऐसे ही फिर ये स्टार्टअप की स्टोरी आगे बढ़ती है। तो जब तक कोई ट्रैक्शन नहीं मिलता किसी प्रोडक्ट को लेके, तब तक वो स्टार्टअप की जो लाइफ है वो डिक्लेयर नहीं हो पाती कि आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो जो एक स्टेज रहता है, उसके लिए इंक्यूबेटर्स जो रहते हैं वो काफ़ी अच्छी हेल्प करते हैं। कई बार कुछ यूथ ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं, वो थोड़े से अलग भी होते हैं, लेकिन वो सही जगह तक पहुंच नहीं पाते। पहुंच नहीं पाते, एक तो उनको इन सब प्रोसेस का पता नहीं होता, दूसरा कुछ यूथ हिचकिचाते हैं कि अगर हमने ये आइडिया कहीं लेकर फ्लोट किया तो ये कॉपी ना हो जाए, इसको लेकर क्या कहते हैं? तो देखिए, आइडिया इज़ जीरो अबाउट जीरो विदाउट एग्जीक्यूशन। अगर आप आइडिया तो आपके दिमाग में और आपके साथ में 1000 लोगों के दिमाग में सेम आइडियाज आ सकते हैं, बट वो आइडिया पे अगर आपने एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो वो कोई काम का आइडिया नहीं है, वो आपके दिमाग में रह जाएगा और कोई और जो उसको पहले एग्जीक्यूट कर लेगा वो है। तो अगर कहीं पे भी यूथ को या किसी को भी एकदम बोलते हैं ना, हेजिटेंट नहीं होना चाहिए अपने आइडिया को लेके, क्योंकि हर किसी में एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी नहीं होती है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई आइडिया है और आपने उस पर बहुत सारा काम किया है और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छे फास्ट तरीके से, तो कहीं भी वो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि मैं वो आइडिया डिस्कस करूं या ना करूं, क्योंकि जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे आपको उसका फीडबैक नहीं मिलेगा, और हो सकता है कोई आइडिया में दम ही ना हो और वो आगे जाके फेलियर बन जाए। बेटर है कि हम उसको पहले ही डिस्कस करें, एक बेसिक ट्रैक्शन समझने की कोशिश करें कि ये चलेगा भी नहीं चलेगा। ज़्यादातर यूथ जो है वो एग्रीगेटर के तौर पर काम करना चाहते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? एग्रीगेटर है ना, किस टाइप के एग्रीगेटर? किसी एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड करके उसी के थ्रू बिजनेस को जनरेट या रोटेट करने की बात करते हैं। तो आज यही टेक्नोलॉजी, मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि एग्रीगेटर यही टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है कि भाई आज मेरा कोई एसेट नहीं लग रहा, मैं एग्जीक्यूशन में भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा काम है ऑर्डर लाना और ऑर्डर देना, और उसको मैं मार्केटिंग करके उसको स्केल करके बड़ा कर रहा हूँ और एज एन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। तो आज जितने भी एग्रीगेटर्स हैं वही सबसे बड़े सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट हो या स्विगी हो या जोमेटो हो, सारे ही एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं। तो एग्रीगेशन ही टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एज है। ट्रेडिशनल बिजनेस ऑनर्स को क्या इस तरह के एग्रीगेटर या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बड़े हैं उनसे कितना इम्पेक्ट आता है? तो ट्रेडिशनल बिजनेस इन एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकते हैं, और क्योंकि उन्हें एडिशनल बिजनेस मिलता है, आज जो ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं उनके अलावा उनको नए कस्टमर्स मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट ही होता है। और अगर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ये सोचे कि मैं ऑनलाइन नहीं जाऊंगा या मैं बैठा रहूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर उन्होंने अपने आप को थोड़ा चेंज नहीं किया या समय रहते हुए उन्होंने अपने विजन को चेंज नहीं किया, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस को। सबसे बड़ी बात निकल कर यही सामने आई है कि ट्रेडिशनल बिजनेस
के ऑनर्स जो अगर अपने आप को, अपनी युवा पीढ़ी को, अपने आने वाले भविष्य के जो परिवार के सदस्य हैं उनको टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर लेकर नहीं जाएंगे, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अभी किसी के पास समय नहीं है, हर आदमी अपने समय को बचाना चाहता है और चाहता है कि सारी चीज़ें उसे एक क्लिक पर उपलब्ध हो। तो आपको भी ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं इस बात को, तो कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, परंपरा है, हम उसको कायम रखते हुए ही बिजनेस को करेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय इसके लिए सुखद संकेत नहीं है। बहरहाल सावन, इंदौर में अगर हम देखें तो यूथ जो है वो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर जाता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाता है। कोई अगर हम खरीदने की बात करें, अगर कपड़े खरीद रहा है या बाकी खाने की चीज़ें खरीद रहा है या कुछ और भी खरीद रहा है, तो वो प्लेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अलग अलग एग्रीगेटर के पास, अलग अलग कंपनीज के पास जाता है। क्या इसमें क्वालिटी का लॉस हो रहा है, डिले हो रहा है सर्विस में, ऐसी कोई चीज़ें निकल कर आती हैं? हार्डली, मतलब आई थिंक ये 3-5% होता होगा, और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में भी होता है, तो आई थिंक वो कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज नहीं है। मतलब इनफैक्ट और क्वालिटी को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से, प्रोसेस से और मॉनिटर किया जाता है, तो स्केल और जल्दी मिलता है इससे, तो लॉस तो नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है इसमें जो मिल रहा है। मैं कहीं आपके बारे में लिखा था, आपने कहीं किसी मीडिया संस्थान को बाइट दिया था, जिसमें कहा कि आने वाले समय में देश के 4 शीर्ष स्टार्टअप्स में इंदौर शामिल हो सकता है। हाँ जी, तो उसके पीछे क्या सोच है आपकी? तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, इंदौर के बारे में बताता हूँ। 2006 से, जब से इंदौर डेवलप हुआ है, मैं जब से काम करना स्टार्ट किया है मैंने, तो यहाँ पे एक पहले कॉल सेंटर्स का बूम आया, यहाँ पे टेली परफॉर्मेंस, फर्स्ट सोर, सिंधुजा, इस तरह की कंपनीज आई। फिर धीरे धीरे आईटी कंपनीज़ों ने ट्रांजिशन किया, पिछले 4-5 सालों में हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं इस पर। तो अब ये एक आईटी ईएस का एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन इंदौर में ऑलरेडी हो गया है, ऑलमोस्ट 40,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। और अब जो इंदौर है, जिस तरीके के हमारे स्टार्टअप्स हैं या जिस तरीके का काम हमारे यहाँ पे हो रहा है, और गवर्नमेंट का जो सपोर्ट हमें दिखता है, जो आ रहा है, या गवर्नमेंट फंडिंग रिलेटेड या इंक्यूबेशन रिलेटेड, या जिस भी तरीके से सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है कि हम लोग रेस में आगे निकल जाए। जो आईटी की जो रेस थी, उसमें शायद इंदौर पिछड़ गया था, बैंगलोर पुणे आगे निकल गए थे, बैंगलोर पुणे हैदराबाद बहुत आगे निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि ये बस अब ना छूटे, और स्टार्टअप के लिए जिस तरीके से गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उसको लेके हमें ऐसा लगता है कि हम सही तरीके से, अगर ये काम चलता रहा, ये होता रहा, तो हम टॉप 5 सिटीज़ में तो इंडिया में आ ही जाएंगे। बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि आने वाले समय में अगर हम सही दिशा को पकड़ कर चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो इंदौर स्वच्छता में प्रथम आता है, पर देश के 5 स्वच्छ सबसे बड़े शहरों में आ जाएगा, जहाँ पर स्टार्टअप्स की गिनती होती है। मुझे लगता है कि तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं, तमाम सारी बातें ऐसी हैं जो इस शो के माध्यम से हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप लाना चाहते हैं, तो बताए हुए सावन लड्डा जी ने जो जिन बातों को बताया है, जो पैरामीटर्स बताए हैं, अगर उनको फॉलो करेंगे तो आपको एक सही दिशा मिल पाएगी। बहरहाल सावन जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।